इस वक्त मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो कि आज़ादपुर मंडी है, और यहाँ पर एक हफ्ते में व्यापार में उछाल तो आया है, लेकिन जो यहाँ के दुकानदार हैं उनका कहना है कि इस दौरान ग्राहक नहीं है, क्योंकि 15 साल का जो रिकॉर्ड है वो भी यहाँ पर टूट गया है, क्योंकि जो सेब का रेट 1800-2000 की पेटी का था वह अब 1000-1200 रुपये में हो गया, जबकि जो अन्य जो फल हैं उनमें काफ़ी उछाल आया है, लेकिन जो ग्राहक है वो मंडी के अंदर नहीं है। वहीं कुछ जो दुकानदार हैं यहाँ पर उनसे बात करेंगे जो बाहर माल बेचने के लिए लोगों को देते हैं। जी कितना फ़र्क है एक हफ्ते के अंदर आपके बाजार में? हमसे कम भैया 25% 30% का फ़र्क है, 20 से लेकर 30% का फ़र्क है। उछाल मार गई मंडी, आगे बहुत आगे बढ़ गई है ना। तो ग्राहक है मंडी में आपके पास? 70 रुपये के माल बिक रहे थे, वो 100 रुपये के 90 रुपये के बिक रहे हैं। ग्राहक नहीं है मंडी में तेज़ी के मारे। छठ पूजा भी है, पूर्वांचली लोग हैं दिल्ली में, और लगातार जो है तैयारियां भी है। फिर भी ऐसा कभी नहीं हुआ था जैसा इस साल हो रहा है। कुछ और व्यापारी भी यहाँ पर मौजूद है, बात करेंगे। क्या रहेगा आपकी बार जो छठ पूजा भी है, और कितना फर्क है बिजनेस में आप लोगों के यहाँ पर जो व्यापार है? बहुत लॉस है बिजनेस में भी, हम कुछ नहीं कह सकते, इतना लॉस हो गया है, इतनी मंडी आगे बढ़ चुकी है, क्या बताएं। उछाल है मंडी में और ग्राहक आया आप लोग? आड़त पे उछाल है भैया, इधर ग्राहक एक भी नहीं आ रहे, कुछ बिकने को राजी नहीं हो रहा। 100-150 रुपया ऊंचा बिक रहा है, ऊंचा बिक रहा है, लेकिन ग्राहक नहीं है यहाँ पे, ग्राहक ही नहीं है। लगातार त्यौहार पड़ने से मंदा हो गया है। पहले भी हुआ है ऐसा या पहली बार हुआ है? नहीं, पहली बार हुआ है। पहले जो इसकी पिछले साल जो था छठ पूजा, इतनी भीड़ यहाँ लगती थी कि फ्रूट कोई बचता ही नहीं था, 10 बजे 12 बजे तक लास्ट ख़त्म हो जाता है। इस साल महंगाई की वजह से इतना हुआ है कि सब सौदे आरत में महंगा बिक रहा है, यहाँ बिकने के बाद ये सब सौदे यहीं पड़े रह जा रहे हैं, बाहर के ग्राहक आ भी नहीं रहे। महंगाई पैसे भी ख़त्म है ग्राहक को, लॉकडाउन सब मिला के इस उतना कमाई अब हुआ नहीं सामने से, इसीलिए सब महंगाई यहाँ ज़्यादा हो गया। इसकी वजह से सब पड़े हैं, सौदे पड़े रहते हैं, बाहर बिक नहीं रहा। दुकान वाले भी ले जाके क्या करते, घटाते हैं, बढ़ाते घटाते, धंधा है उसको झेल रहे हैं। कितना फ़र्क आया इस हफ्ते में? फ़र्क तो इस हफ्ते में 25% से ऊपर ही आ रहा है, कम से कम जो सौदा 50 का मिल रहा हो तो 75-80 का मिल रहा है इस समय, कम से कम डबल का रेट हो गया है मंडी में। हाँ, पहले क्या था आलू? अभी तो डबल रेट हो गया आपका, पहले 20 बिक रहा था, अब 40 बिक रहा है आलू। हाँ, मंडी का रेट ये है, तो बाहर जो खुदरा बाजार जो मार्केट में बाजार लगाते हैं उनका क्या रेट? उनका कम से कम 50-35-40 बिक रहा होगा। हमें तो महंगी लग रही है जी, बहुत ही ज़्यादा महंगी है, और हम लोग वहाँ यहाँ की नहीं हूँ, यहीं पर की नहीं हूँ, हम लोग बॉर्डर से आई हूँ, टिकरी बॉर्डर से, कि थोड़ी सस्ती रेट मिल जाए, पर सस्ती है नहीं, जो रेट थोड़ी बहुत का फ़र्क है बाकी वही रेट है। इसमें फिर फायदा क्या है यहाँ से ले जाने पे? मैं तो वही सोच के आई थी कि जो कुछ सामान जो वहाँ 50 का हो यहाँ 25 का 30 का दे दे, पर वैसा है नहीं। क्या भाव मिला आपको यहाँ पर? यहाँ जैसे कि फल फ्रूट जो लिए तो वहाँ जैसे कि नारियल हमारा 40-50 का एक पीस आता था, तो यहाँ भी 40-50 के बोल रहे हैं। और बताइए कि अब हम तो एक पीस नहीं, हम उनको बोले कि 10 पीस लेंगे 20 पीस लेंगे, फिर भी कोई मर्जी नहीं है। मैं मुकुंदपुर से आई हूँ, तो मैं सोचती कि हाँ मंडी है तो मंडी में कुछ सस्ती मिल जाएगा, तो अपने इलाका छोड़ करके मंडी आई हूँ, लेकिन इससे सस्ता तो अपने इलाके में ही मिल रहा है। तो सब्जी का कितनी है उसका बड़ा महत्व रखा जाता है छठ पूजा? हाँ, उसका क्या दाम चल रहा है अभी? अभी अभी ज़्यादा ही महंगा है, जो अभी अदरक का एक का वो पत्ता है 20-20 रुपया का दे रहे हैं, इतनी महंगा महंगा सामान दे रहे के एक महताबी है 80 रुपये जोड़ा, 80-80 रुपये में दे रहे हैं, तो लोग लगता है कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ, कैसे क्या करूँ, अगर अपनी इलाका छोड़ करके आने के बाद भी इतनी महंगाई मिल रही है घर से, और किराया लगा करके आना, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो मंडी है उसमें काफ़ी उछाल तो आया लेकिन ग्राहक नहीं आया, जिसकी वजह से जो माल है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि छठ पूजा भी आने वाली है और उसको लेकर यहाँ पर भारी तादाद में जो पूर्वांचली लोग हैं वो माल खरीदने के लिए आते थे, लेकिन जब कहीं ना कहीं व्यापार में जो तेज़ी आई है उसको लेकर जो दुकानदार है वो हताश है, क्योंकि काम नहीं है बाज़ार में, उसी को लेकर जो लोग हैं वो सड़कों पर अपना माल रखकर बैठे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखना होगा कि छठ पूजा को लेकर जो उछाल आया उसमें और कितना असर आज़ादपुर मंडी पर पड़ेगा। दिल्ली से नीति सेन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।